गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम बायोलॉजी का चैप्टर 14 पढ़ने वाले हैं, प्लांट्स का शोषण, इसका नाम है। इसमें सबसे पहला टॉपिक पढ़ेंगे कोशिकीय शोषण। यहाँ मैंने आपको पैराग्राफ बनाकर कि दिखाया है डायग्राम छोटा सा, कार्बनिक पदार्थ का जब ऑक्सीकृत अपघटन हो जाता है, जब उनका मतलब ब्रेक डाउन हो जाते हैं, टूट जाते हैं, तब ऊर्जा मिलती है, उस क्रिया को कोशिकीय शोषण कहते हैं। जब कार्बनिक पदार्थ का ऑक्सीकृत अपघटन होता है तब कुछ ऊर्जा मिलती है और इस क्रिया को कोशिकीय शोषण कहते हैं। वह सभी कार्बनिक पदार्थ जिनके अपघटन से ऊर्जा बनती है श्वसन क्रियाधार कहलाते हैं। उदाहरण कौन कौन से श्वसन क्रियाधार हो सकते हैं? कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, कार्बनिक अम्ल आदि। ठीक है, मैंने यहाँ लिख दिया है। अगर हम बात करें सबसे पहले कि ऊर्जा हमें सबसे पहले कौन देता है, तो वो कार्बोहाइड्रेट होते हैं। ठीक है, ध्यान रखना कौन होते हैं, कार्बोहाइड्रेट सबसे पहले ब्रेक डाउन होकर ऊर्जा बनाते हैं। तो आज का हमारा ये बस पहला टॉपिक है 11th क्लास, और इसको अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिएगा। थैंक यू।